हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल naruhu.blog। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2023 टाटा हैरियर का XZA प्लस 80 वेरिएंट। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन, डायनेमिक्स से लैस है और काफ़ी अच्छी खासी फीचर्स इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। और इस वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो एक्सोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफ़ी प्रीमियम, बोल्ड, एग्रेसिव और बल्कि फील हो रही है दोस्तों, काफी जबरदस्त। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पे स्लीक डिजाइन में LED डे टाइम रनिंग लाइट, साथ में इंटीग्रेटेड टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। वहीं जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में जेन्युइन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जो कि लो बीम का काम करता है। साथ में आपको दिया गया है हेलोजन बल्ब हाई बीम में। जस्ट इसके नीचे आपको फॉग लैम्प दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में, जो कि कॉर्नर स्टेबिलिटी का काम करता है। काफी जबरदस्त पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल, बीच में टाटा का लोगो। नीचे आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल कराया गया इस व्हीकल में। और फ्रंट में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है। साथ में एयर डैम भी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। बॉडी क्लैडिंग आपको फ्रंट बम्पर पे भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। न्यू हैरियर में आपको चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन फ्रंट में MacPherson स्टर्ट विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद पेनार्ड रोड दिया गया है। वहीं यहां पे 17 इंच का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है, और जिसका व्हील साइज है 235/65R17। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ORBM LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। साइड कैमरा दिया गया है और फ्रंट में रेन सेंसिंग वाइपर। और यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ADAS फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर में ADAS फंक्शन दिया गया है। वहीं रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूफ रेल आपको नहीं मिलते हैं और लार्ज पेनोरमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसके बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल पे क्रोम फिनिश दिया गया है, बॉडी कलर में दिया गया है। और इसके जो डाइमेंशंस है साइड प्रोफाइल में चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ रोड प्रेजेंस बहुत ही जबरदस्त है इस SUV का। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल की तरह ही इसका रियर प्रोफाइल काफी शानदार रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही बल्की नजर आता है, काफी बड़ी SUV लगती है दोस्तों। वहीं इसके रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको मिलते हैं साकफिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर, डिफॉगर एंड रियर वाइपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्लीक डिजाइन में LED टेल लैंप यूनिट मिलता है, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन में। बीच में आपको ब्लैक फिनिशर, टाटा का लोगो, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। वहीं हॉरिजॉन्टली हैरियर की ब्रांडिंग दिया गया है बॉडी क्लैडिंग के रूप में। रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ दोनों ओर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। वहीं स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों। काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। लेफ्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा यहाँ पे इंटीरियर में लेफ्ट साइड से, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। काफी शानदार डिजाइन इंटीरियर का, काफी जबरदस्त प्रीमियम लगता है। चलिए अब राइट साइड से चेकआउट करा देता हूँ, और यहाँ पे दिया गया है कीलेस एंट्री। और ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर को, काफी वाइड ओपन हो जाता है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है और यहाँ पे ब्राउन फिनिश में लेदर टच दिया गया है, काफी प्रीमियम फील होता है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, 1 लीटर का बोटो होल्ड है थोड़ी सी जगह, 9 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। और इसमें आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में ग्रैब हैंडल, ORBM के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, ट्रिपल टोन में दिया गया है, ब्लैक सेटिन सिल्वर फिनिश और बीच में दिया गया है वुडन फिनिश, काफी प्रीमियम लगता है दोस्तों। न्यू टाटा हैरियर का डैशबोर्ड लेआउट, स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया, नीचे डेड पेडल दिया गया, लॉन्ग जर्नीज में थकावट महसूस नहीं होती है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दिया गया है, ड्राइवर सीट को आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, कुछ इस तरह का यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लार्ज पेनोरमिक सनरूफ दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सेंटर कंसोल से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे दिया गया है आर्मरेस्ट लेदर टच के साथ। ओपन करते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट,
टू कप होल्डर, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग एंड ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर ट्राई रिसीव डिजाइन दिया गया है और इसके सराउंड में पियानो ब्लैक फिनिश, सैटिन सिल्वर फिनिश भी दिया गया है, 360 degree कैमरा के व्यू के लिए बटन दिया गया है और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, वेट मोड, ड्रॉप मोड, नॉर्मल मोड यहाँ पे दिया गया है, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। ऊपर आपको AC वेंट, 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को, साथ में IRA कनेक्टेड फीचर से लैस है दोस्तों। और वहीं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं आपको, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बारी और जो कि काफी शानदार लगने वाले हैं दोस्तों। ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाते हैं और वहीं 3-spoke टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया, बीच में टाटा का लोगो। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे लार्ज ग्लोव बॉक्स दिया गया है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे दिया गया है और डैशबोर्ड लेआउट दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे टेक्चर दिया गया है वुडन फिनिश। इसके साथ ही ए पिलर पे आपको यहाँ पे JBL के ट्वीटर्स दिए गए हैं, चेकआउट कीजिएगा। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है इल्यूमिनेशन के साथ और इसके साथ ही आपको यहाँ पे सेंटर में LED कैबिन लाइट दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे लार्ज पेनोरमिक सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, कुछ इस तरह आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। साथ में ऑटो डिमिंग IRBM प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ADAS के सिस्टम दिए गए हैं जो कि सेफ्टी फीचर्स के रूप में एक ट्रेंडिंग फीचर्स है और आजकल काफी गाड़ियों में दिया जा रहा है जो कि सेफ्टी फीचर्स के रूप में जरूरी भी है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को और यहाँ पे ये भी वाइड ओपन हो जाता है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फ्रंट डोर की तरह ही, पावर विंडो के कंट्रोल, सैटिन सिल्वर फिनिश में, ग्रैब हैंडल, क्रोम फिनिश दिया गया है डोर लॉक पे। इसके नीचे आपको 1 liter का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह मोबाइल वगैरह रखने की जगह, स्पीकर और ट्विटर की जगह, काफी अच्छी खासी स्पेस रियर सीट में, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, दो पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है वो भी 2 cup होल्डर के साथ, काफी अच्छी खासी स्पेस। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसका सेंटर कंसोल, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफी जबरदस्त। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट जो है बी पिलर पे दिया गया है दोनों ओर, राइट एंड लेफ्ट साइड, चेकआउट कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पे LED कैबिन लाइट दिया गया है जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, कोट हुक भी दिया गया है। वहीं यहां पे एयरबैग आपको 6 मिल जाते हैं, बी पिलर पे देखिए, ए पिलर पे देखिए और साथ में डी पिलर पे भी प्रोवाइड किया गया है कर्टेन एयरबैग, काफी अच्छी खासी लेग रूम नी रूम प्रोवाइड किया गया है, हेडरूम बहुत ही कमाल का है जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो टाटा का लोगो के ठीक नीचे आप यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं, बहुत ही वाइड ओपन होता है दोस्तों। और 425 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया, रियर सीट को 60-40 स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। यहाँ पे बूट लैंप दिया गया है, स्टोरेजेस आपको यहाँ पे हिडन स्टोरेजेस दिए गए हैं टूल किट के लिए, काफी अच्छी खासी सामान भी रख सकते हैं, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, स्पेयर व्हील अंडरनीथ दिया गया है, ग्रैब हैंडल इनर साइड दिया गया है, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। वहीं टाटा हैरियर में इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDNE20 कंप्लायंट 2 liter 4 cylinder ट्राइटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 168 VSP की पावर एंड 350 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 14.6 KMPL की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा हैरियर को तैयार किया गया है दोस्तों ओमेगा आर्किटेक्चर पे जो कि लैंड रोवर्स लेजेंडरी D8 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है दोस्तों। और वहीं टाटा हैरियर में प्रोवाइड किया गया है 6 airbag, ABS VDVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट ऑटो डिमिंग IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जिसमें आपको रफ मोड, वेट मोड, नॉर्मल मोड, 3 drive modes में मिल जाता है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड।
रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक, डिस्क वाइपिंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, एडवांस ESP फीचर्स, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, प्रिटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इंजन चेकिंग वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों ऑल न्यू टाटा हैरियर XZA प्लस 80 वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।